नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज चैनल रेल खबर टाइम्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेन नंबर 19727 सीकर रेवाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन की, उसकी समय सारणी एवं उसका किराया और दूरी कितनी रहेगी। यह ट्रेन रोज़ाना सीकर से सुबह चलकर रेवाड़ी में दोपहर को पहुंचती है। बात करें अगर इसके किराए की, तो इसका किराया 50 रुपये रहता है एक सवारी का, इसमें 12 डब्बे रहते हैं। अगर ये ट्रेन की बात करें तो इसका कुल ट्रेवल टाइम जो रहता है वो रहता है ट्रेन 213 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे 15 मिनट में तय करती है 34 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। दोस्तों, इस ट्रेन को अबू रोड का WDM-3MA लोकोमोटिव सीकर से रेवाड़ी के बीच में रोज लेकर जाता है। सीकर से अगर इस ट्रेन का चलने का समय है सुबह 7:30 पर, यह ट्रेन प्रतिदिन चलती है। इसका अगला ठहराव रहा है जेठी दादिया, जहां यह ट्रेन 7:44 पर पहुंचती है और 7:45 पर यहां से रवाना होती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है नवलगढ़ स्टेशन, जहां पर यह ट्रेन पहुंचती है 7:57 पर और 7:58 पर इसका यहां से प्रस्थान है। इसका अगला ठहराव है बलवंतपुरा चौरासी, जहाँ ये ट्रेन पहुँचती है 8:04 पर और 1 मिनट ठहराव के साथ 8:05 पर प्रस्थान करती है। अब यह ट्रेन पहुँचती है डुंडला मुकुंदगढ़, जहाँ ये ट्रेन 8:16 पर पहुँचती है और 8:17 पर यहाँ से रवाना होती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है नुआ स्टेशन 8:31 पर और 8:32 पर यह ट्रेन नुआ स्टेशन से रवाना होती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है झुंझुनू, जहाँ पर यह ट्रेन 8:44 पर पहुँचती है और 8:45 पर यहाँ से रवाना होती है। इसका अगला ठहराव है रतन शहर, जहाँ यह ट्रेन सुबह 9 बजे पहुँचती है और 1 मिनट के ठहराव के साथ 9:01 पर यहाँ से रवाना होती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है नरी खेतड़ी, जहाँ इसका समय 9:10 है और 1 मिनट के ठहराव के साथ 9:11 पर यहाँ से रवाना होती है। इसका अगला ठहराव है चिड़ावा स्टेशन, जहाँ यह ट्रेन पहुँचती है 9:19 पर और 1 मिनट के ठहराव के साथ 9:20 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना होती है। इसका अगला ठहराव है सूरजगढ़, जहाँ यह ट्रेन 9:32 पर पहुँचती है और 1 मिनट के ठहराव के साथ 9:33 पर यहाँ से रवाना होती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है भावाठड़ी स्टेशन 9:47 पर और 1 मिनट ठहराव के साथ 9:48 पर भावाठड़ी से यह ट्रेन रवाना होती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है लोहारू जंक्शन 10:25 पर और 20 मिनट के ठहराव के साथ 10:45 पर यहाँ से रवाना होती है। दोस्तों, यह ट्रेन लोहारू जंक्शन पर अपना लोको रिवर्सल लेती है और रिवर्स डायरेक्शन में आ जाती है। इसका अगला ठहराव है सोहांसड़ा स्टेशन, जहाँ यह ट्रेन पहुँचती है 10:50 पर और 2 मिनट के ठहराव के साथ 10:52 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसका अगला ठहराव है सतनाली स्टेशन, जहाँ यह ट्रेन पहुँचती है 11:03 पर और 2 मिनट ठहराव के साथ 11:05 पर यह ट्रेन सतनाली स्टेशन से रवाना होती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है नवा स्टेशन 11:11 पर और 1 मिनट ठहराव के साथ नवा स्टेशन से 11:12 पर प्रस्थान करती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है नांगल डगरौता 11:19 और 1 मिनट के ठहराव के साथ 11:20 पर यह ट्रेन नांगल डगरौता से प्रस्थान करती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है चेरपुरपल्ली 11:26 पर और 2 मिनट ठहराव के साथ 11:28 पर यह ट्रेन चेरपुरपल्ली स्टेशन से रवाना होती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है महेंद्रगढ़ 11:36 पर और 2 मिनट के ठहराव के साथ 11:38 पर यह ट्रेन महेंद्रगढ़ से रवाना होती है। इसका अगला ठहराव है बुज्जावास, जहाँ यह ट्रेन पहुँचती है 11:47 पर और 1 मिनट के ठहराव के साथ 11:48 पर बुज्जावास से प्रस्थान करती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है गुड्ढा केमला 11:54 पर और 1 मिनट के ठहराव के साथ 11:55 पर यहाँ से रवाना होती है। इसका अगला ठहराव है कनीना खास 11:12 पहुंचती है और 2 मिनट के ठहराव के साथ 12:02 पर यह ट्रेन कनीना खास स्टेशन से प्रस्थान करती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है डेहना जैनाबाद 12:12 पर और 2 मिनट के ठहराव के साथ 12:14 पर यह ट्रेन डेहना जैनाबाद से प्रस्थान करती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है नंगल मुंडी 12:24 पर और 2 मिनट के ठहराव के साथ 12:26 पर यह ट्रेन नंगल मुंडी से रवाना होती है।
इसका अंतिम और आखिरी ठहराव है रेवाड़ी जंक्शन, जहाँ ये ट्रेन पहुँचती है दोपहर में 1:45 पर, और यहाँ ये ट्रेन 213 किलोमीटर की अपनी दूरी को 6:15 में तय कर लेती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।